Which is again, uh, बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आया है जहां पे अभी एक इन प्रिंसिपल नॉट जो है सबसे लास्ट वाला आईलैंड है ये एक बार मैपे देख लेते हैं इसको हाँ है ना ये आपका निकोबार आईलैंड का ग्रुप है निकोबार नीचे जाओगे आपको भी मिलेगा निकोबार एंड देर इज लास्ट आईलैंड ग्रेट निकोबार यहां पे एक जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल मिली है तो ये है इसका करंट अफेयर का जो मेन है वो देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है वो और व्हाट डज इट मीन कि अप्रूवल मिलने से होगा क्या इनवायरमेंट का क्या नुकसान होगा वो तो सारी चीजें देखते हैं अभी हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एम ओ एफ सीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है डेवर्जन ऑफ वन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार आईलैंड प्रजेक्ट सी ऑलरेडी एक आईलैंड जो हमारा ग्रेट निकोबार आईलैंड हैल जोन है यहाँ पे इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर कुछ आ रहा है तो इट बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि यार प्रोजेक्ट में क्या है और सडनली जो वहाँ की जो लोकल फ्लोर ऑफ होना है वो भी एक्टिव हो जाएगा उसकी जोग्राफी भी एक्टिव हो जाएगी है न कौन से चैनल हैं ये सारी चीजें जो है आपके प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब चीजें जो है

इनके बीच में जितने चैनल है ना उन सबको लेबल करके तो जस्ट कीप इट विद यू दिस वीडियो इज लाइक ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहती है टू द पॉइंट के अंदर क्लास में तो हम इसको कवर करते हैं कि ये वहीं के वहीं नोट्स में कवर हो जाए एंड इट इज डन फॉर वंस एंड फॉर ऑल बट यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे जस्ट अ सजेशन कि आप इसे कर सकते हैं इट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स में भी काम आएगा ये आपके थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट द मेगा प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड इंक्लूड्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड एयरपोर्ट अ पावर प्लांट एंड अ ग्रीन फील्ड टाउनशिप ग्रीन फील्ड टाउनशिप का मतलब अगेन ग्रीन फील्ड वर्ल्डी में पढ़ते हैं ग्रीनफील्ड का मतलब एक्सैक्टली वही है यहाँ पे कि वहां पे इससे पहले कोई टाउनशिप नहीं थी एक नए सिरे से एक जो है एक टाउन को जो है एक शहर को एक बस्ती को बसाया जाएगा इंक्लूड अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी होगा एयरपोर्ट भी होगा पावर प्लांट एंड अ ग्रीनफील्ड टाउनशिप बेसिकली जो बेसिक बेसिक चीजें कुछ किसी भी नए टाउन को शुरू करने के लिए चाहिए वो सब यहाँ पे आपको ये स्टार्ट करने की बात हो रही है द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर ए विजन प्लान कंसीव्ड बाय नीति आयोग है ना तो ये भी देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजन प्लान किसने कंसीव किया देयर आर एन नंबर ऑफ एजेंसीज जिसके साथ में

हरियाणा इम्पोर्टेंट तो जो प्रपोज प्लान है वो यहां पे जा रहा है कि नॉन नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड के ऊपर हरियाणा में जो है इसके अंदर कंपनसेटरी ए फॉरेस्टेशन की जितने पेड़ आपके आइलैंड के ऊपर जो है वो वहां से कट डाउन होंगे उतने पेड़ आपके हरियाणा के अंदर नॉन नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो है वो प्लांट भी किया जाएंगे मूविंग फॉरवर्ड अब प्रोजेक्ट का समझ में आ गया अब एक बार देखते हैं ग्रेट निकोबार के बारे में एक दो स्टेटमेंट है ना क्योंकि वो भी एक्टिव है सडनली ग्रेट निकोबार इट इज दी अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इट इज मोस्ट आईलैंड ऑफ द निकोबार पहले को इट हैज द ग्रेट निकोबार बायोस्फेर रिजर्व सी आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द इकोलॉजी तो ये ऑलरेडी प्ले में है कि वहां पे बायोस्फेर रिजर्व है ग्रेट निकोबार बायसपे रिजर्व इज देयर एंड उसके उसके बाद में वहां पे जो है ये प्रोजेक्ट लगने वाला है आई एम नॉट कमेंटिंग एट ऑल ऑन validity और की प्रोजेक्ट सही पास हुआ है नहीं पास हुआ है टू द पॉइंट सीरीज का और मेरा मकसद यहाँ पे ये यह है कि आपके सवालों को प्रिपेयर किया जाए ताकि आप प्रिलिम के अंदर उसको निकाल सको बस यहाँ पे इसके अलावा दिस इज नॉट ए सटेकल वीडियो और एनीथिंग द मोंगोलाइट शॉम्पेन ट्राइब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अबाउट टू हंड्रेड इन नंबर लिव इन दी फॉरेस्ट ऑफ दिजर्व पर्टिकुलरली रिवर्स एंड स्ट्रीम है तो ये देखिए इस टाइप के सवाल भी जो है आपको यूपीएससी में आपको पेपर्स वगैरह में देखने को मिलते हैं तो शॉम्पेन ट्राइव वो पूछ सकते हैं शॉम्पेन ट्राइब कहाँ पे है अब वैसे नाम नहीं सुना होता मोस्टली ये और नंबर भी कम है तो न्यूज भी कम आती है इस टाइप की चीज के ऊपर तो शॉम्पेन ट्राइव विच इज मंगोलाइड है ना जो जेनेटिकली uh, मोंगोलाइड शॉम्पेन ट्राइव है ना वो इस बायोस्वेयर रिजर्व में रहती है ग्रेट बी निकोबार बायोस्वे रिजर्व जहां पे नया मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है लेट सी इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं फर्स्टली द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट इज नियरली 15% परसेंट ऑफ थिकली फॉरेस्टेड ग्रेट निकोबार आइलैंड इज स्प्रेड ओवर 900 हंड्रेड किलोमीटर्स है ना तो आ, लगभग जो है वो 130 थर्टी स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करेंगे अभी देखना एक और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी विच विल बी वेरी एस्टोनिशिंग फॉर यू सेकंडली ये वाली स्टेटमेंट सेकेंडली द मिनिस्ट्रीज ओन एस्टिमेट सजेस्ट दैट एट पॉइंट फाइव लैख ट्रीज विल है दिस प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री का अपना डेटा है अभी सर्वेज uh, होने हैं कि एक, एक, एक्चुअल नंबर कितना है दिस इज डबली सिग्निफिकेंट बिकॉज दिज आर प्राइमरी एवरग्रीन फॉरेस्ट विद हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो हाई एंडमिज्मिज्म माने की कुछ स्पीसीज है वो सिर्फ वही है और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है पूरी अर्थ पे कहीं नहीं है तो इस टाइप का कंटेंट है वहां पे इस टाइप का जो है आपको पोजीशन जो है इकोलॉजी की यहां पे ऐसे देखने को मिलती है थर्डली द प्रोजेक्ट एरिया इज होम टू रेयर फ्लोरा एंड फोना दीज इंक्लूड लेदर बैक सी टर्टल्स निकोबार मेगापॉड विच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड एंड टू टू निकोबार आइलैंड एंड निकोबार मकैक एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो ये उनकी जो है स्पीशीज़ हैं और खासकर ये so like, uh, तो करती है कि निकोबार मेगापॉड जो एंडेमिक स्पीशीज है इसका क्या होगा तो एक बहुत क्रिएटिव वे से इसको आंसर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मे बी एट दिगिनिंग मे बी इन बिटवीन मे बी एट लास्ट है ना कुछ इमोशनल टच देने के लिए कुछ ह्यूमनिस्टिक टच देने के लिए तो इस टाइप की चीज़ें क्लास में डिस्कस होती रहती हैं कि आपको आपकी सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो जाए एंड विद दैट नोट अर वीडियो हेयर एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट द कोर्स इज गोइंग ऑन एंड यू मे प्लीज जॉइन इट यू ऑल्सो गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यू आई